हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इकोवैक्स ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाइए, इकोवैक्स होम सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए डाउनलोड करके। उसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा रजिस्टर करने का, आपको एक ईमेल आईडी पासवर्ड के जरिए रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन है, आपको ये वाला ऑप्शन आएगा स्कैन टू कनेक्ट और सर्च फॉर कनेक्ट। अब आपका स्कैन टू कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपका जो रोबोट पे यहाँ देखेंगे इस तरफ में आपका जो क्यूआर कोड है उसको लेके स्कैन करना है। जैसे स्कैन करेंगे आपको आपका रोबोट दिखा देगा। इस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वाईफाई क्लिक करके, वाईफाई आपको किसी दूसरे, आपका अगर घर में वाईफाई लगा है तो उससे कनेक्ट कर लेना है, और नहीं तो किसी दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट ऑन करके वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। इसमें हॉटस्पॉट जो भी वाईफाई कनेक्ट करेंगे इसमें भी उसी वाईफाई को कनेक्ट आपको करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये स्कैन करने के बाद आप करिएगा, रोबोट का नाम आएगा वो दे दीजिएगा। फिर आपको ये स्क्रीन आपके सामने सामने आ जाएगा, ये वाला स्क्रीन, जहाँ पे आपको आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं आपके हाथ में है, यहाँ से एडिट होता है, ठीक है, रीनेम हो जाएगा। यहाँ आपको स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ रोबोट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ ऊपर में फिर से आप स्कैन करना चाहते हैं तो फिर से आप स्कैन कर सकते हैं, वो स्कैन मिलता है, स्कैनर मिलता है। और यहाँ आपको मैसेज का ऑप्शन मिलता है, रोबोट कई बार कभी फंस जाता है या फिर बैटरी डाउन या फिर मेंटेनेंस से कुछ हो तो वो मैसेज का सर्विस नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलता है। और शेयरिंग मैसेज अगर करना चाहते हैं, इस रोबोट को किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, वो आगे शेयर बात करेंगे, ठीक है। अब ये स्टार्ट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी रोबोट है वहाँ पूरा खुद से डिटेक्ट कर लेगा और वो उसको स्टार्ट करना शुरू कर, रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद वो रिचार्जिंग स्टेशन पर चला जाएगा, ठीक है। अब रोबोट कंट्रोल पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको ये जो रोबोट जहाँ पे भी है वहाँ का आपको ऑप्शन दिखाएगा। तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा कि कैसे हम स्कैन करेंगे, तो चलिए मैं आपको एक बार स्कैन करके कंप्लीटली आपको बता दूँ कि कैसे रोबोट को इंस्टॉल करना है, ठीक है। स्कैन टू कनेक्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर चलिए मैं स्कैन कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए स्कैन हो रहा है, मैं इसका लाइट ऑन कर दे रहा हूँ ताकि इसको स्कैन करने में प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए स्कैन हो गया है, ये देखिए स्कैन हो गया और वाईफाई भी बता रहा है, पासवर्ड ऑलरेडी मैं डाल रखा हूँ, वाईफाई जो इससे कनेक्टेड है मोबाइल उसी से उसको कनेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, अब कह रहा है पावर ऑन करने के लिए, तो पावर ऑन ऑलरेडी मैं करके रखा हूँ, इस पर सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अब कह रहा है प्रेस अगेन इफ़ यू डिडेंट हियर द साउंड, ठीक है। अब ऑलरेडी वाईफाई कह रहा है तो वाईफाई में कर दिया हूँ कनेक्ट, ठीक है। रिलीज कर रहा हूँ हॉटस्पॉट, 3 बार आपको इसको दबा के रखना है, समझ गए, वाईफाई इसका ऑन करने के लिए। ये जो दोनों बटन दिख रहा है ये क्लीनिंग का और चार्जिंग का, इसको 3 बार आपको दबा के 3 सेकंड तक 4 सेकंड तक दबा के रखना है और देन आफ्टर फिर आपका इसका वाईफाई ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट होता है और ये हॉटस्पॉट कनेक्शन हो रहा है। चलिए एक बार मैं फिर से इसको बैक लेता हूँ और पावर ऑन का, ठीक है पावर ऑन तो कर दिया मैंने, ये गिर जा रहा है बार बार। चलिए ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये 3 बार तो दान पे क्या आता है, Entering network setup mode. ठीक है, सेटअप मोड में चला गया, देखिए ये ब्लिंक कर रहा होगा, है ना। चलिए इस पे अब गो टू सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे ठीक है ये आ रहा है एज इट इज, ठीक है डन। और यहाँ पे देखिए इकोवैक्स आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे क्लिक कर दिया, कनेक्ट हो गया। अब बैक पे क्लिक करना है, ये देखिए कनेक्टिंग द रोबोट टू योर फोन हो रहा है, देखिए रोबोट पे कनेक्ट हो रहा है। मैं ऑलरेडी पहले से मेरा कनेक्टेड है लेकिन मैं आपको बताने के लिए ये चीजें फिर से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए कुछ सेकंड में आपको ये आपके वाईफाई स्पीड पे, या कई बार आपको कह सकते हैं कि ऐसे भी स्पीड अच्छा होने पे भी कई बार ये स्लो काम करता है, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। ये देखिए ऑलरेडी नाम पूछ रहा है फिर से, तो जो नाम है वही नाम मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं नाम में चेंजेस नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए टाइम जोन सब कुछ ओके हो गया, ओके। अब मेरा मैप जो है पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो ऑलरेडी मेरा मैप बना हुआ है पहले से, तो वो मैप बना हुआ ही यहाँ पे दिखाएगा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे रिटर्न टू स्टेशन का ऑप्शन मुझे आ रहा है तो मैं इसको रिटर्न टू स्टेशन करूंगा। तो ये देखेंगे आप इधर के स्टेशन पे जाएगा, ये यानी कि वहां पे चार्जिंग के लिए चला जाएगा। ये देखिए आपको मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए मेरे पे आ गया, मैं मोबाइल साइड कर रहा हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है।
तो इस तरह से ये पूरा सेटअप होता है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको इसके कुछ और सेटअप है, तब तक मैं वो दिखाता हूँ, मोबाइल का पूरा टूर कराता हूँ आपको। मैंने ये आपको करा ही दिया है, अब इसको मैं रिटर्न टू ये इसको करने देता हूँ काम, मैं आपको बैक लेके चलता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे कि रोबोट कंट्रोल का ऑप्शन है। अब ये रोबोट कंट्रोल वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले ऑटो क्लीन करना है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ और मैं इसको आगे आपको चीज सिखाऊंगा। फिलहाल आप देखेंगे कि अब आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या क्या ऑप्शन मिलता है आपको। एक तो सबसे पहला आपको ऑटो क्लीन करना है, जब आपके घर में पहली बार ये जाएगा तब आपका मैप क्रिएट होगा। ठीक है, इसको ऐसे ऊपर करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, सक्शन पावर क्वाइट मोड है, आपको स्ट्रांग स्टैंडर्ड मोड है, ये स्टैंडर्ड मोड है। ठीक है, फिर ये आपको स्ट्रांग मोड है और फिर ये आपको सबसे ज्यादा मैक्स मोड है, और ये पानी वाला है, वाटर फ्लो रेट, पोछा लगाने वाला, लो मीडियम और उसके बाद यहाँ पे आपको हाई मोड। ठीक है, ये ऑप्शंस हो गए। अब चलिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जोन क्लीनिंग। ये जोन क्लीनिंग में क्या है, इसको आप इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, है ना। आप इसको आप जहाँ लेके जाएंगे, जहाँ पे ये बॉक्स बना देंगे वहीं एरिया पे जाके ये क्लीन करना शुरू कर देगा। इस पर क्लिक करेंगे बॉक्स बना के, और यहाँ पे जैसे मैं ये कर दिया, अब यहाँ पे जोन क्लीन लिखा है, ऑटो क्लीन है, जोन आ गया, इसको क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अब ऊपर में ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक मैप का, ये रहा मैप का ऑप्शन दिख रहा है ना। चलिए अब मैप के ऑप्शन में जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपका सारा जो मैप बना हुआ वो मैप यहाँ पे दिखेगा आपको। अब मान लीजिए कोई रेस्ट्रिक्ट करना है एरिया, कोई जगह चाह रहे हैं झाड़ू पोछा ना करे, ठीक है, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर ऑप्शन है, एक लाइनर ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, मैं इसको जमीन में रख रहा हूँ। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है, ये बेड है, अब ये बेड के नीचे जा नहीं पा रहा है, जा रहा है तो नीचे में यहाँ पे अंदर में जाकर टकरा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टकराने से ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको मैंने रेड जोन बना दिया है। ठीक है, कैसे क्या होता है देखिए, इस पर क्लिक करूंगा, अब आपको इसको हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, अब बड़ा छोटा करना कर सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, अब आपको मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, ये देखिए फिर से मैंने अपलोड कर दिया, एक और जगह मैंने रेड जोन बनाया है, ये है आपको जो बाथरूम है, बाथरूम के बाहर का थोड़ा सा जो एरिया है वहां पे आपको मैं सोच रहा हूँ ये ना जाए, तो वहां पे मैंने रेड जोन लगाया है। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन है, वर्चुअल बाउंड्री का ऑप्शन है, एरिया नेम आप चाहे तो रूम रेट उसको कुछ भी नाम लिख सकते हैं, इसमें आप जो नाम लिखना चाहे वो नाम लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे एक ही रूम को दो भाग में बांटना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं, एक ही या पूरे घर को कंबाइन करना चाहते हैं, ये रूम रूम ना दिखाए तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये हो गया। चलिए बैक पे चलते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे आप, आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कि कितना अभी तक काम किया है नहीं किया, वो यहाँ आपको दिखाएगा। ये देखिए सारा बता रहा है कितना कब से मैं काम करा रहा हूँ, टोटल आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे जून क्लीनिंग का है, जो जून क्लीनिंग आप देख सकते हैं मैंने कब कब क्या क्या जून क्लीनिंग करवाया। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मेंटेनेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाता है, ये कितना कितना कब कब चल सकता है, मॉपिंग पैड, साइड ब्रश और कितना दिन चलेगा, मेन ब्रश कितना चलेगा, फिल्टर कितना चलेगा, वो सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रोबोट का आवाज कम बेसी करने का, Volume adjusted. ये Volume adjusted. Volume adjusted. Volume ठीक है, adjusted. शेड्यूल क्लीन करना है तो वो आपको यहाँ पे, लेकिन शेड्यूल क्लीन तभी हो पाएगा दोस्तों जब आपका वाईफाई कनेक्टेड रहेगा ऑलरेडी तो। ठीक है, अब मोबाइल तो चला रहा हूँ तो वाईफाई बंद ही रहता है ज्यादातर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस सेटिंग, इसमें ऑटो रिज्यूम का ऑप्शन है, जहाँ पे चार्जिंग खत्म होगा वहां पे चार्ज करके फिर जाकर करता रहेगा, डू नॉट डिस्टर्ब है। एरिया में आप पूछ रहा है कि मीटर स्क्वायर में चाहिए फिट में चाहिए, वो आप देख सकते हैं, कारपेट अगर है तो उस पर ज्यादा तेज हो जाए ऑटोमेटिकली, वो ऑन करके रखा हो। ठीक, फिर है फाइंड माई रोबोट का ऑप्शन है, ये रोबोट इज कॉलिंग करके बोल रहा है जब क्लिक करेंगे। ठीक है, रोबोट सेटिंग में ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे चाइल्ड लॉक है, अपग्रेड का ऑप्शन है, टाइम जोन है, रोबोट का नेम है और सब चीजें हैं। ठीक है, अपग्रेड आपको देखते रहना है बार बार, कुछ अपग्रेड होगा तो आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब चलते हैं, हेल्प का ऑप्शन नहीं, शेयर, ठीक है, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह का पूरा ऑप्शन है दोस्तों, इस तरह से आप कर सकते हैं। ये पूरा मैंने आपके साथ आज ऐप का शेयर किया है फंक्शन अभी, कि ऐप कैसे काम करता है, कनेक्ट कैसे करना है पहली बार, है ना। तो अब ये हो गया, अब आगे वाला वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐप के जरिए ये जो चलता है वो कैसे चलता है, नहीं चलता है, कहाँ कहाँ क्या क्या जाता है। जैसे अभी देखेंगे यहाँ पे कुछ कचरा मैंने डाला हुआ है, तो ये आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे, तब तक के लिए बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय।